गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सिक्स क्लास में अध्याय दो की प्रश्नावली 2.1 तक हमने कर लिया था। आज जो हमारी स्टार्ट होगी वो होगी प्रश्नावली 2.2। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। उपयुक्त क्रम लगाने हैं, मतलब कि सही क्रम से लगाकर तब उसका आंसर निकालना है। तो हो गया 837 प्लस 208 प्लस 363। तो आपको पहले उपयुक्त क्रम लगाना, उपयुक्त क्रम का मतलब हो गया जहां पर हमारा जीरो आ जाए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 8 और 7 को जोड़ूंगा तो 15 आ जाएगा, इसे और इसे जोड़ूंगा और 8 3 और क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है उपयुक्त क्रम के लिए, 837 प्लस 363 इन दोनों को मैंने जोड़ा, अभी 208 को मैंने नहीं जोड़ा। ठीक हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ा 3 में 7 10, 9 1 10, 11 1 12, 1200 आ गया, राउंड फिगर में आ गया। अब आप 208 को और जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1 4 0 और 1। इस टाइप से आपको उपयुक्त क्रम में लगाकर आपको क्या करना है, जोड़ करना है। सेकंड वाले में आपको देखिए कि पहला दे रखा है आपको, पहले का बी, इसमें दे रखा है आपका 9 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। अब इसे उपयुक्त क्रम में लगाना है, अगर मैं 2 में 8 जोड़ूंगा 10 हो जाएगा मेरा, तो इस टाइप से तो 1962 प्लस 1538 इन दोनों को मैं एक साथ जोड़ दूंगा, प्लस 453 प्लस 647 इन दोनों को मैंने एक साथ जोड़ दिया। अब ध्यान से देखें, इन दोनों को जोड़ा तो 10 9 9 10 53। ठीक हो गया, 2 और 8 10 9 10 1 14 1 15 1 2 और 1 3 प्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 1 हासिल 9 10 1 10 और 1 11। अब इन दोनों को जोड़ना आसान हो जाएगा, 0 0 6 4। तो इस टाइप को आपको इस पर योग करना है कि दोनों को आपको क्या करना है, दो योग ऐसे बनाने, दो जोड़े ऐसे बनाने हैं कि हमारा इकाई का अंक जीरो आ जाए। तो इन दोनों क्वेश्चनों का अभ्यास कीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का ए, इसमें भी क्या रखा है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया 2 × 7 1768 × 50। तो उपयुक्त क्रम लगाना है तो 2 × 50 इन दोनों को गुणा कर दिया × 1768 इन दोनों को एक साथ गुणा किया, ऐसे लग गया, इन दोनों को गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा × 1768। अब इस 100 को इससे गुणा करना आसान हो गया, क्या इनकी उपयुक्त क्रम में लगाने का यही मतलब हुआ कि आपको जो क्वेश्चन है वह सरल बनाना है। ठीक है, आप 1768 की 1 में गुणा करोगे तो 1768 ही आएगा और साथ में आपके 2 0 आएंगे। तो इस टाइप से आपको गुणा करना है उपयुक्त क्रम में लगाकर। इसका दूसरा भाग कर लेते हैं, बी, 4 × 166 × 25। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करिए तो सबसे पहले 4 × 25 लिख देंगे, 166 अलग, 25 चौके कितना हो गया 100 × 166। आप 166 की 1 में करोगे तो 166 हो गया और 2 0। इस प्रकार से आप इसे कर लेंगे। अगला है आपका तीसरा, अगला तीसरा आप खुद कर लेंगे।
अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन में दे रखा है 8 गुणा 291 गुणा 125। ठीक है, अब हमने 25 की गुणा करी थी वहां पर, तब हमारे पास दो जीरो आ गए थे, वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। 8 गुणा 125 है हमारे पास, 125 इन्हें हिसाब लेंगे गुणा 291। ठीक हो गया, इनकी गुणा करी 5 8 40, 4 16 4 20 2 1000 हो गया गुणा 291। 291 की 1 में करी तो 291 और 3 जीरो आ गए, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आपका चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में भी आपको इसी क्रम में करना है, ऐसे ही करना है, तो ये हो गया आपका डी 625 गुणा 279 गुणा 16। ठीक है, अब इस प्रकार से तो आप क्या करेंगे, 625 की गुणा किसमें करेंगे, 16 में, और गुणा 279 आप अलग लिख देंगे। अब इसकी गुणा करें, 16 5 80, 8 हासिल, 16 2 32, 32 और 8 40 4, 16 6 96, 16 6 96, 96 और 4 100। ठीक है, फिर से 16 5 80, 8 हासिल, 16 2 32, 32 और 8 40, 40 का 0, 4 5 16 6 96, 96 में 4 जोड़ा तो 100 गुणा 279। अब 279 में एक ही गुणा करोगे तो 279 हो गया, और 2 0 फिर 2 0, इस टाइप से आप गुणा कर लेंगे। 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन बचते हैं वो आप खुद से करेंगे। ठीक हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का पहला, 297 गुणा 17 प्लस 297 गुणा 3। ठीक हो गया, अब आपको इसमें मान निकालना है, क्या निकालना है, मान। अब आप देख रहे हैं कि गुणा है, ये दोनों गुणा में है, फिर प्लस में है, फिर ये दोनों गुणा में है। ठीक है, जब प्लस से इधर गुणा में है तो हमें गुणा करना पड़ेगा, उधर है प्लस में तब भी हमें गुणा करना है, मगर इसने इसमें क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान निकालिए, तो आपको क्या करना है, जो दोनों जीरो में कॉमन होंगी वो आप बाहर ले लेंगे, 297 दोनों में है तो बाहर आ गया। ठीक है, एक बार उसके बाद आपने ब्रैकेट लगा दिया, 17 प्लस 3 कर दिया। ठीक है, 297 आपने बाहर निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर भी 297, यहाँ पर भी 297, जब ये दोनों से बाहर निकल गया तो एक बार आता है, दोनों में से बाहर निकलेगा तब क्या आएगा, एक बार आएगा, तो एक बार मैंने लिख दिया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, ब्रैकेट के बाद 297 के साथ 17 था, 297 तो बाहर आ गया, बाहर आने के बाद यहाँ 17 बचता है तो 17 लिख दिया, वैसे यहाँ पर 297 बाहर आ गया, क्या बचा, 3, फिर 3 लिख दिया, तो ये हो गया 297 गुणा 20, 17 में 3 जोड़ोगे 20, अब गुणा कर ले, 2 चौके 2 7 14 1, 18 1 19 4 1 5 और 0 1 लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। फिर दूसरा देख लेते हैं, इसमें बी में दे रखा है 54279 × 92 प्लस 8 × 54279। ठीक हो गया, अब इसमें हमारा क्या है, 54279 हमारा कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है, प्लस से इधर भी है, प्लस के उधर भी है, तो आप इसे लिख लेंगे 54279, एक बार लिख लिया। अब जब यहाँ से बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा, 92, यहाँ से बाहर निकाल दे क्या बचा, 54279 गुणा इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 100। अब आप सीधे सीधे गुणा कर दे, 54279 में जब 100 की गुणा करेंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे, तो ये करना बहुत आसान है। अब इसके 2 क्वेश्चन बचते हैं, ये आप खुद करेंगे, खुद करिए, ट्राई करिए, तभी हो पाएगा, और इसे फेयर में करते रहिए। ठीक हो गया, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक हो गया, धन्यवाद।